जो कोलियस लगा हुआ है इसको गर्मियों में ये प्लांट खराब हो ही जाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी पोरस मिट्टी है, लेकिन फिर भी ये प्लांट ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन प्लांट को आप बार बार ग्रो करते रहें कटिंग से, जो हमारे पास नए नए प्लांट होंगे वो बचे रहेंगे और जो पुराने प्लांट हैं गर्मियों में अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ी पूरी और कोशिश कर रही हूँ मैं। ये इसमें मैंने जो पत्तियों से खाद बनाई है वो डालती हूँ, देखें, क्योंकि कोलियस मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं और जो नए नए प्लांट लगाए थे वो ही है। तो पुराने प्लांट को मैं बचा नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये पॉट पूरा भरा हुआ है, फिर भी ये जो कमल की पत्तियाँ हैं वो बर्न हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट ख़राब हो रहे हैं, हमारी पूरी देखरेख चल रही है, फिर भी देखिए पानी मैं डेली जो है बदलती नहीं हूँ इन पानी को, क्योंकि जो कमल के फूल है वो कीचड़ में ही खिलते हैं, तो थोड़ा सा गंदा पानी होना ज़रूरी है। तो मैंने अभी 8 दिन हो गए हैं और गंदा कितना हो चुका है पानी देखिए। तो डेली पानी नहीं बदलना चाहिए कमल का, कमल के जिसमें प्लांट लगे हुए हैं आप देखते होंगे पॉन्ड वगैरह में, वहाँ पर लगे रहते हैं, तो वहाँ पर ये जो कमल के प्लांट लगे होते हैं तो वहाँ पर कितना गंदा सा पानी रहता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं गुलाब मेरे पूरे ख़त्म हो रहे हैं, पर कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही मानसून शुरू होगा तो ये सारे प्लांट अपनी ग्रोथ पर आ जाएंगे। तो अभी हम मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको हल्का फुल्का सा पिंच कर रही हूँ, और ये जो इसकी टहनियाँ हैं काली हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको भी हमें हटा देना है। बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं अक्सर अपने प्लांट के साथ रहती हूँ और ये जो काम मुझे करने रहते हैं मैं करती रहती हूँ, तो प्लांट को भी अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें भी हमारा साथ चाहिए। ये देखिए ये आज मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी, ये दोनों प्लांट मुझे रिपोर्ट करने हैं। मैंने इसके जो है गमले तैयार कर लिए हैं, वही किचन वेस्ट और जो गार्डन से हमारा कचरा निकलता है उनसे मैंने इन गमलों को भर दिया है, और सारा मेरा जो गार्डन है आप देखते हैं वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। तो इस तरह से इन दो बड़े गमलों में मैं अपने प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये जो पाम है वो सूख रहा है, तो उसको भी हम हटा देंगे। मानसून के साथ सारे प्लांट ठीक हो जाने वाले हैं, और कुछ प्लांट खराब होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट खराब होते नहीं हैं, तो बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत जल्दी मानसून आने वाला है। ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं आप, इन पर जो धूल जम गई है तो इनको हमें वॉश करते रहना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और पत्तियों पर जमा हो जाती है। ये देखिए करी लीफ प्लांट है और इसकी इतनी सुंदर पत्तियाँ होती है, पर देखिए धूल जमा हो गई है, तो इन पर जो है हम अच्छे से वॉश कर देंगे इनको, और वॉश करने के साथ हल्का हल्का हाथ से हम, अगर आपको टाइम मिल जाए इतना तो थोड़ा सा हाथ लगाकर वॉश कर देंगे, जिससे क्या होता है कि पत्तियों में शाइन आ जाती है। गर्मियों में प्लांट बचा पाना वैसे बहुत मुश्किल होता है, और जब हम शावरिंग करते हैं प्लांट पर तो प्लांट में वैसे ही जान आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैं अक्सर अपने प्लांट पर शावरिंग करती रहती हूँ, और जब तक हो सके ठंडा पानी यूज कीजिए, जहाँ धूप ना आती हो वहाँ पर पानी रखिए आप, तो वो पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पर मैंने जो है बास्केट तैयार की है, और बहुत ही सुंदर बास्केट लग रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिलीबग लग गई है, तो वो मैं उसको फटाफट से रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि मिलीबग का अटैक ऐसा अटैक है कि ये कब दूसरे प्लांट पर चला जाए पता नहीं चलता है। तो
ये देखिए दोस्तों, मिलीबग बहुत सारी जगह लग चुकी है। तो नीम ऑयल का स्प्रे भी करूँगी और जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको हटाते जाइए, नई नई पत्तियाँ निकलती जाएगी। ये देखिए सिंगोनियम की भी थोड़ी पत्तियाँ जो है पीली हो रही है, सूख रही है। ये देखिए कोलियस का एक और प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये मैंने छिपा कर रखा था, फिर भी देखिए कुछ टहनियाँ इसकी सूख रही है और कुछ ख़राब भी हो रहा है। तो मैंने इसके नए प्लांट जो है लगा दिए थे कटिंग, तो मुझे टेंशन नहीं है। तो कोलियस को हमें हर साल जो है नए प्लांट लगाने ही होते हैं, क्योंकि ये सालों साल प्लांट चलने वाला नहीं है, पर लेकिन कटिंग से हम इनके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें जो है हौसला मिलता है। ये देखिए दोस्तों, बंदरों ने जो है पत्तियाँ मेरी तोड़ मरोड़ दी है यहाँ पर, तो ये सब चलता रहता है।